हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे अंडा चना दाल की सब्जी, जो तो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई रख लिए, उसमें ऑयल डालनी है थोड़ा सा, 2 चम्मच लगभग। अंडा पहले से ही हमने उबाल के रखे थे, अंडा को फ्राई कर लेंगे तेल में, बढ़िया से चला चला कर फ्राई करेंगे ताकि सटे नहीं नीचे से। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे ताकि अंडा का कलर बढ़िया लगे देखने में। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे, अब निकाल लेंगे, फ्राई हो गया है। इसी तेल में डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता, 2 से 3 सूखी मिर्च। थोड़ा सा चला लेंगे। उसके बाद प्याज काट कर रखे थे हमने पहले से ही, उसको भी चला कर भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए प्याज भून गए हुए हैं। अब इसमें डालेंगे टमाटर, 2 टमाटर काट कर डालेंगे, लो फ्लेम पर भूनेंगे बढ़िया से। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। सभी को मिलाकर चलाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे 1 चम्मच। थोड़ा सा पानी डालकर चला लेंगे बढ़िया से। उसके बाद ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे 10 मिनट तक, ताकि मसाला पक जाए। चलिए खोल कर देख लेते हैं। देखिए अब इसको बढ़िया से भूनेंगे हाई फ्लेम पर, ताकि मसाला बढ़िया से टूट जाए। लगभग 5 से 10 मिनट तक मसाला को बढ़िया से भूनेंगे। बढ़िया से भून कर चला चला कर भूनेंगे, लगातार चलाएंगे। एक चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। चना दाल को हमने पहले से ही उबाल लिए थे, बॉयल कर लिए थे, लगभग 2 सीटी लगा लिए थे कुकर में डालकर। अब चना दाल को डाल लेंगे मसाला में, थोड़ा सा चला लेंगे। डालेंगे पानी, लगभग 2 गिलास पानी डालेंगे। ग्रेवी के हिसाब से डालें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको कम पसंद हो तो कम डालें, ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डालें। हम थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं ग्रेवी, इसीलिए ज़्यादा पानी यूज कर रहे हैं। तो अंडा जो हमने फ्राई करके रखे थे वो भी डाल लेंगे, और 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 10 मिनट तक पका लेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे फ्लेम को। देखिए अंडा चना दाल की सब्जी रेडी है। देखिए निकाल कर दिखा रहे हैं आप लोग को। खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई करिए आप लोग भी। रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रेसिपी बनाइए और अपना अनुभव हमसे शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।